ये फिंगर किधर है इसकी? फिंगर इसके अंदर है, सिकंदर की फिंगर है। ये क्या चीज है? इतनी बड़ी मछली पकड़ने की? ये हाथ लगा के देखें। नहीं नहीं, हाथ लगा के दिखाएं। किसको पीस के बनाई है? इसमें से धुएं किस वजह से निकल रहे हैं? ये गरम हो रहा है, गरम कैसे किया आपने इसको? किसका वेट? वेट तो वैसे मैं भी अपने खाने का कर रही हूँ। आप देना नहीं चाह रहे क्या मेरी फिश? थोड़ी थोड़ी खाऊं, पूरी नहीं खाऊं। वंस रोड पर आज हम आए हैं सिकंदर फिश पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या बना रहे हैं आप? हम फिंगर फिश बना रहे हैं। फिंगर फिश? ये फिंगर किधर है इसकी? फिंगर इसके अंदर है। इसके अंदर है? कौन सी फिंगर है मछली? सिकंदर फिंगर फिश होती है, मंगरा की। सिकंदर की फिंगर है? सिकंदर की फिंगर नहीं है, मंगरा की फिंगर है। मंगरा फिश? मंगरा कहाँ से मांग के आई है? ये फिशरी से आई है। अच्छा, फिशरी से आई है, मांग के नहीं आई? मांग के क्यों आएगी? आप तो मंगरा कह रहे हैं ना। मंगरा एक फिश का नाम है। अच्छा, मुझे जगह जैसे लंगड़ा होता है, जैसे कुछ और होता है, वैसे मंगरा भी कोई चीज होती है? होता है, फिश में नहीं होता। अच्छा, लंगड़ा आम में भी होता है, मैं इंसान की बात कर रही थी। बट चले, आप मुझे बताएं फिश कैसे बनेगी? फिश इसके अंदर हमने मसाला मैरिनेट किया हुआ है। पहले से किया हुआ है? मसाला कहाँ है? मसाला है अंदर रखा हुआ है। ये है फिंगर फिश या वो है फिंगर फिश? ये विदाउट बेसन की है, बेसन कोटेड है। अच्छा, बेसन कोटेड है। कोटिंग करने के आप अलग से चार्जेस लेते हैं? नहीं नहीं, वही चार्जिंग है। वही चार्जेस है। तो ये ऐसी क्यों है? इस पे मैट फाउंडेशन लगाए हुए, इस पे चिकनी फाउंडेशन लगाई हुई है, स्किन टाइप है। क्या हुआ है? बेसन कोट हुआ है ना? बेसन कोट हुआ है। बेसन को कैसे कोट करते हैं? इसको पहले मसाला मैरिनेट करते हैं, फिर उसका बेसन अलग से बनाते हैं, उसके बाद वो कोट करते हैं। बेसन कैसे बनता है? बेसन चने की दाल से बनता है। चने की दाल से बनता है? आपको बनाना आता है? मेरे को भी बनाना आएगा, जिसका काम वही बनाएगा ना। तो आप क्या करते हैं जी? तो आप क्या करते हैं? मैं सिर्फ काउंटर पर बैठता हूँ। काउंटर पर बैठते हैं? काउंटर पर बैठे हुए तो नहीं है, खड़े हैं। आपकी वजह से आया हूं ना आपको जवाब देने के लिए। अच्छा, तो आप खड़े हैं, आप बैठे हुए नहीं है? मेरी बात नहीं है। नहीं तो आप बैठ जाए, आपको दिक्कत होगी। अच्छा, आप मुझे बताएं कौन सी वाली खिला रहे हैं, कौन सी सबसे ज्यादा आपकी रनिंग फिश है? बेसन वाली खाएं, हमारी फिंगर फिश। बेसन वाली खाएं। अच्छा, और ये क्या चीज है? इतनी बड़ी मछली पकड़ने की? ये मछली पकड़ने के लिए होता है, हाथ तो डाल नहीं सकता, जाहिर बात है, कुछ ना कुछ चीज चाहिए। ये गरम है? ये हाथ लगा के देखें। नहीं नहीं, आप लगा के दिखाएं। आप लगाएं। नहीं नहीं नहीं, मैं हमने लगा लिया है, देखें मेरा हाथ बहुत कीमती है। अच्छा, आप मुझे बताएं बनाए। अच्छा, ये थैली में क्या रखा हुआ इतना सारा आपने भर के? चटनी। ये वो पानी है, समंदर का पानी है? जी, समंदर का पानी, जो मछली होती है ना उसका पानी। हाँ। अच्छा होता है, वही लेकर आते हैं। अच्छा, साथ लेके आते हैं कि जब खाएं तो दोबारा डालने में जिंदा हो जाए, कुछ ऐसी कहानी है? बिल्कुल। ये ऐसे ये चटनी है। कौन सी चटनी? ग्रीन चटनी है, मसाले वाली। किसको पीस के बनाई है? इसमें बहुत सारी चीजें मिली है। अच्छा, यहाँ पे जो अलग अलग मछलियाँ की अलग अलग चार्जेज है, एक का मुँह नहीं है, एक की आँख नहीं है, एक का उसका मुँह नहीं है, उसके फेफड़े नहीं है, क्या सीन है मछलियों का? यही है कि किसी के अंदर हमने कोटिंग की हुई है, मतलब कि किसी का सर लगाया हुआ किसी का। लेकिन कोटिंग तो इधर इसकी हुई थी, ये कौन सी कोटिंग है? इसके अंदर मसाला सिर्फ मैरिनेट किया हुआ हमने। ये मसाला वाला मैरिनेशन है। तो फिश कब बनाएंगे आप? तो मुझे कह रहे थे फिश बनाएंगे। अच्छा, वो बना रहे, मुझे लगा फिश तो आप बनाएंगे। ये फिश कैसे बनती है? फिश ये देखिए, इस तरह से बेसन लगा हुआ है, बेसन को हम कोटिंग करके ये है बेसन। जी हाँ। मुझे लगा था सिंक वाला बेसन होगा। नहीं नहीं, बेसन ही है। कुछ बेसन बेसन में मलते होंगे या कुछ। और ये क्या चीज है? ये ऑयल है, ऑयल के अंदर फ्राई कर रहे हैं इसको। ये ऑयल है, इसमें से धुएं किस वजह से निकल रहे हैं? गर्म हो रहा है, सुबह से। ये गर्म हो रहा है, गर्म कैसे किया आपने इसको? चूल्हा लगा के देखा, सिलेंडर लगा हुआ है। अच्छा, और ये इसके अंदर एक साथ आप कितनी फिश बनाते हैं? एक साथ कम से कम इससे 15 से 20 केजी फिश बन जाती है। 15 मछलियाँ या 15 पीस? 15 से 20 केजी बन जाती है। 15 से 20 केजी, इसका क्या साइज है जिस पीस में? इसके अंदर 40 लीटर ऑयल आता है। कितना? 40 लीटर, 40 लीटर ऑयल आता है। 40 लीटर ऑयल आता है? हाँ, तो क्या कैसे पता चलता है कौन सी मछली खाने वाली है, कौन सी वाली नहीं है? अच्छी, सारी मछली खाने वाली होती है, सारी जितनी भी है, सब फ्रेश मछली है। समंदर में जितनी फ्रेश है, यहाँ पे जितनी फ्रेश है, हमारे पास भी फ्रेश है। आज दिन की कितनी मछली जो है ना आपकी यहाँ पे बिकती है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बिक जाएगी। कितनी? 45 ईयर से हम बेच रहे हैं हमारा। अच्छा, 45 ईयर से बेच रहे हैं? सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिपीट कस्टमर ऐसे हैं जो बहुत छोटे से आ रहे हैं, अब उनकी फैमिलीज आ रही है, उनके बच्चे आ रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत रिपीट कस्टमर हमारे। अच्छा, सबसे ज्यादा मछली कौन, किस सीजन में लोग खाना पसंद करते हैं? वेरी बात है, सर्दियों में खाना पसंद। सर्दियों में? अभी तो सर्दियाँ नहीं है, बट तब भी माशाल्लाह स्टॉक अच्छा खासा है। मौसम थोड़ा अच्छा है फिर भी। अच्छा है मौसम, आपको कैसे पता? अच्छा है, मैं बाहर खड़ा हूँ इस वजह से। अच्छा, आपको फील नहीं हो रहा? नहीं नहीं हो रहा है। मेरी फिश कब तक तैयार होगी? आप 2 मिनट वेट करें, अभी तैयार होगी। 2 मिनट में तैयार होती है? अच्छा, ये फिश बन रही है, पीछे चप्पलें रखी हुई है, ये चप्पल पहन के फिश खाते हैं? ये चपली कबाब भी हम बेचते हैं इस वजह से। चपली कबाब, ये उन पर मारते हैं आप? ये हमारे। अच्छा, फिश का नहीं बनता क्या कुछ चप्पल मार के? नहीं, फिश का नहीं बनता, चपाती बन जाती है, चपाती का शॉट लेते हैं वहाँ से। अच्छा, चपाती भी बना लेते, बनाते हैं आप लोग? चपाती कहाँ है वो? नहीं, वहाँ पर आपकी है वो?
अच्छा, ये जो है आपने ये क्या रखा हुआ है? ये वेट करने के कैलकुलेटर है? ये नहीं, वेट करने के लिए रखा हुआ है। किसका वेट? वेट तो वैसे मैं भी अपने खाने का कर रही हूँ। आप खाने का करिए, हम फिश का करके देंगे ना। अच्छा, फिश का करके देते हैं वेट आप, तो इसको बंद नहीं करते आप? फिलहाल अभी काम का टाइम है तो ऑन रखा हुआ ना। अच्छा, मेरी फिश हो गई तैयार? हो रही आपकी रेडी। कितनी देर लगेगी? आप 10 तक गिनती करें, 20 तक की गिनती में रेडी हो जाएगी। 10 तक गिनती करूँ, 20 तक रेडी हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा आप मुझे बताएं, इसको आपने क्रेट पे क्यों रखा? अगर क्रेट पे रखते हैं तो इससे क्या ज्यादा अच्छा वजन होता है? नहीं, ताकि लोग देख लेना, पर्सन को दिख जाए सामने वेट होगा। अच्छा, के वेट कर रहे हैं। ये देखे 0.5 kg की मछली आके वो मक्खी वक्खी कुछ आके बैठी है, शायद एयर आके बैठी है। क्या बैठा है? हवा 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 का वजन है। ये देखे बंद हो गया। अच्छा, बन गई मेरी फिश? आपने 10 तक गिनती नहीं की? आप देना नहीं चाह रहे क्या मेरी फिश? फिश फ्राई हो रही है। आपने तो कहा था हो गई, वो तो किसी और की हो रही थी, आपकी हो रही है। तो मेरी कितनी देर में होगी? 30 तक गिनती कर ली लेकिन फिश नहीं आई। ये आ गई आपकी फिश? आ गई फिश। कैसे आई? फ्राई होने के बाद आई। अच्छा, फ्राई होने के बाद आई है। ये वाली कौन सी है? ये बेसन कोटेड है विदाउट बेसन? बेसन वाली है विदाउट बेसन। पहले कौन सी खानी चाहिए? अब थोड़ी ये खाएं, थोड़ी ये खाएं। थोड़ी थोड़ी खाऊं? पूरी नहीं खाऊं। पहले टेस्ट करें, जो अच्छी लगे पूरी खाइएगा। अच्छा, उसके अलावा मुझे बताएं, मछली खाने का कोई स्पेशल तरीका तो नहीं है? नहीं, वही नॉर्मल तरीका। मुझे बचपन में अम्मी कहती थी मगर मछली खा के पानी पीऊंगी तो मछली तैरने लगेगी, ऐसा होता है क्या? आप आज ट्राई करके देखें, ऐसा होता है। अगर मैं चटनी साथ में पी लूं मछली तैरेगी? मछली नहीं, मछली तो वैसे ही मरी है, कहां से तैरेगी। अच्छा हाँ, ये तो फिंगर फिश है। ये बात आपने बहुत काम की। क्या चले लाए थे? थैंक यू।